नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व कर्मचारी भर्ती 2022 के बारे में। यानी कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी की यहां पे बहाली को रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों ये जो है अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है, आपको कुछ ही दिनों में इसका जो फुल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसका जो वैकेंसी यहां पे जारी कर दिया गया। तो यहां पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी के 2616 पदों पर होगी बहाली, मांगी रिपोर्ट। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2616 पदों पर टोटल यहां पे वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों राजस्व कर्मचारी के हैं तो जिसे आरओ बोला जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रखंड या अंचल होता है उसमें एक एक राजस्व कर्मचारी होते हैं, नियुक्त किया जाता है कर्मचारी को, जिनको जो है कार्य की अगर बात करें तो जितने भी जमीनी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, भूमि से रिलेटेड रसीद कटना या जो भी है दाखिला खारिज करना या सर्वे करना या जो भी है वेरिफिकेशन करना, जमीन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है सब यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। अभी फिलहाल दोस्तों जो राजस्व कर्मचारी यहाँ पे जाति आवासीय प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे काम देखते हैं, जब तक उनका इस पे साइन नहीं होता है तब तक उनका जो है आपका जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र जो है नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आपको देखने के लिए बहुत जल्द यहाँ पे मिलेगा राजस्व कर्मचारी के पद पर। और यहाँ पे दोस्तों अब तैयार हो जाए, बिहार में और सारी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और दोस्तों यू कहे तो 1 से 2 लाख पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द ही यहाँ पे होने वाला है, सभी डिपार्टमेंट में लगभग वैकेंसी करवाई जा रही है। तो दोस्तों आपको इसके लिए एक्टिव रहना है, तैयारी जोर शोर से कर दे, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको थोड़ा सा आपको केयर करना है और इसको दोस्तों जो जॉब है उसके व्यू से आपको देखना है, तभी आप इसमें क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इजी वे में लेते हैं और दोस्तों वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन ही निकाला जाता है, उसके बाद ही इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैकेंसी जो है करवाई जाएगी, कब तक इसका फाइनली जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, कब से बहाली आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी के 2616 यानी 2600 पद पे वैकेंसी करवाई जाएगी। ये दोस्तों परमानेंट आपको बहाली होगी। आपको पता ही होगा कि जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में भी बहुत सारे राजस्व कर्मचारी की यहाँ पे समस्या है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो एक कर्मचारी होकर के दूसरे ब्लॉक को भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का नोटिफिकेशन आए तो उसका अपडेट सबसे पहले अब तक मिल पाए। तो चलिए देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई बहाली की तैयारी सर्वोच्च प्राथमिकता से शुरू कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही इसमें अधिकतर वैकेंसी जो है बिहार में भी आया है, लेकिन इसका जो है अभी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इसका शुरू किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार का भी वैकेंसी करवाया जाएगा। सरकार ने सभी जिले के डीएम को राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों का ब्यौरा कोटिवार मांगा है। यानी जो डीएम होते हैं जितने भी राजस्व कर्मचारी के रिक्त पद हैं उनको यहाँ पे ब्यौरा देना है, कोटिवार तरीके से यहाँ पे मांगा गया है। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपको नियमित वैकेंसी करवाया जाएगा। अब वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होने वाला है, यानी बी एस सी सी जिसको बोलते हैं उसी के द्वारा इसका जो है बहाली कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी एग्जाम प्रोसीजर जो भी होगा तो बी एस सी सी के तरह यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैकेंसी करवाई जाएगी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बीएससीसी जो है किस तरीके से वैकेंसी लेती है, उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है और क्या उसका सिलेबस होता है, आप जाके सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और सर्च करके इसके जो अपडेट है यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं और तैयारी में भी से दोस्तों जुट जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि सभी जिलों के आरक्षण कोटिवार रोस्टर की अपडेट रिपोर्ट की मांग राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों के संबंध में सभी डीएम के बीते 10 अगस्त और 15 सितंबर को भी पत्र लिखा गया था। बिहार के राजस्व पदाधिकारी के 8463 पद हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे टोटल अगर बिहार में हम बात करें पंचायत की तो यहाँ पे 8463 यहाँ पे पंचायत है। तो सभी पंचायतों में एक यहाँ पे वैकेंसी करवाई जाएगी राजस्व कर्मचारी के, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि 4325 ही पद इसमें भरे गए हैं। अप्रोक्स आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 8000 प्रखंड है उस प्रखंड में 4000 यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी जो है एक ब्लॉक कर होकर के दूसरे ब्लॉक का भी काम को देखते हैं और आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या इनका काम है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। यहाँ पे आरटीपीएस जो काउंटर है उस पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो उन पर इनका भी हस्ताक्षर होता है और जो जितने भी रिलेटेड जमीनी से रिलेटेड जो भी कागज होते हैं, रसीद काटना या चालान काटना या दाखिला खारिज करना, सभी तरह का कार्य राजस्व कर्मचारी जो होते हैं उनको यहाँ पे करने पड़ता है। तो करीब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे 3000 के करीब यहाँ पर सीट बचा हुआ है। अभी फिलहाल करीब 2616 पदों पर बहाली की जानी है। हालांकि जिलों से रिक्तियाँ का ब्यौरा मिलने पर यह संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जिला से जो रिपीट मिलता है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो वैकेंसी का पद है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 22 सितंबर को संपन्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में राजस्व कर्मचारी के शेष रिक्त पदों का शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे निकला गया है।
राजस्व कर्मचारी भर्ती के लेकर को लेकर के 2616 पदों पर वैकेंसी करवाई जाएगी। अप्रोक्स दोस्तों हम अगर बात करें पद की तो यहाँ पे 3 से 3500 के आसपास इसमें वैकेंसी दोस्तों करवाई जाएगी। अभी इसका रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा, फिलहाल अभी रिक्ति मांगा गया है, तो सारा प्रोसेस आपको जो है कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, तो इसमें सारा चीज़ जो है फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। अब फिलहाल अभी भी दोस्तों बिहार में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो करवाई जा रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक और वैकेंसी है, पानी शुद्धता की निगरानी के लिए बहाल होंगे 264 रसायनज्ञ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे नल जल जो योजना होता है वो पार्ट 2 में भी यहाँ पे एक संविदा प्रभारी होगी, सैंपल टैंकर की होगी नियुक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अभी बिहार में जो है वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी में लग जाए, अपडेट में लग जाए, और चैनल से जुड़े रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम देने के लिए कोशिश करते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे वहाँ पर शेयर किया जाता है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में।